तो आज रीना का शादी होने वाला है और ये देखिए अभी रीना जा रही है, क्या बोलते हैं उसको, जयमाला के लिए। बाकी देखिए हम और भैया आगे आगे हैं और बबलू भैया और एक फुआ का बेटा लगते हैं वो पीछे और रीना बीचों बीच में है। अभी हम लोग जा रहे हैं स्टेज में, ये देखिए। चलिए अभी चलते हैं स्टेज में और वहाँ पर शंकर जी आ चुके हैं तो वहीं पर जाएंगे हम लोग अभी। और ये देखिए अभी जयमाला वगैरह हो चुका है और अभी शंकर जी और रीना सिस्टर अभी बैठी हुई है और दोनों देखिए एकदम काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। बस यही मोमेंट देखना चाहते थे। देखिए कुछ भी हो जाए लाइफ में हमेशा खुश रहना चाहिए, मतलब खुश जहाँ हो वहीं पर सबसे बेस्ट है, खुशी जहाँ हो। बाकी देखिए दोनों तो एकदम अच्छे एकदम लग रहे हैं जोड़ी एकदम, आप लोग कमेंट करिएगा। दोनों तो एकदम सेम दिख रहे हैं एकदम भाई बहन जैसा। बाकी चलिए, वहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा भीड़ था और गाना का इशू था ना, इसलिए हम वॉइस ओवर कर रहे हैं अभी। बाकी भीड़ बहुत ही ज़बरदस्त था, विजय भी अभी आए थे, बहुत कोई आए थे लेकिन भेंट नहीं कर पाए थे इधर उधर के चलते। बाकी देखिए अभी सारा इधर जो भी करना है वो भी हो रहा है अभी। बाकी सबका कैमरा एकदम ऊपर में है, जय मारा हो रहा है उस जगह पे। देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा था लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला है, इसके बाद भी दुख का ये आने वाला है। अभी तो खुशी लग रहा है लेकिन अब आगे क्या होगा वो तो नहीं कह सकते हैं। बाकी देखिए अभी थोड़ा देर यहाँ पर क्या क्या नियम है वो होगा, उसके बाद फिर शादी वगैरह होगा वो भी आप लोग को देखने को मिलेगा। आप लोग वीडियो में बने रहिए। और दोस्तों अभी सुबह हो चुका है और अभी सुबह का नियम धर्म चल रहा है। अभी दादाजी मतलब पापा जी का काम करना था लेकिन पापा जी मतलब कहीं चल गए थे तो दादाजी कर दी और बाद में फिर पापा जी भी आ गए। देखिए पीछे खड़ा है अभी जो येलो टी शर्ट पहने हुए हैं, तो दादाजी अभी सारा नियम जो है वो कर रहे हैं जिस तरह किया जाता है, हमको उतना पता नहीं है। बस मेरा भी कुछ नियम है तो मेरा बाद में आएगा। बाकी देखिए आप हमको शंकर जी का हमको घोड़ा बनना है, मतलब हमको ना मतलब उनको खींच के ले जाना है घर में अंदर घुसाना है। बाकी देखिए अभी और होता है ना दादाजी और क्या, देखिए अभी हम ले जा रहे हैं अभी शंकर जी को बांध के। ये देखिए अभी घर घुसाना है, मतलब वहाँ पर ले जाना है जहाँ पर शादी होगा वहाँ पंडप में। देखिए और अभी बाराती लोग सारा कुछ चल गया है, ज़्यादा अभी भीड़ नहीं है। तो दोस्तों रीना का शादी वगैरह सारा कुछ हो चुका है, विदाई भी हो गया है, रीना चली गई है ससुराल अपना और विदाई का भी वीडियो अलग से आप लोग को देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ही ज़्यादा क्या बोले, आप लोग देखिएगा तो आपको भी शायद थोड़ा लगेगा ऐसा। बाकी देखिए तुरंत घर को एकदम सोना सोना कर दिया, एकदम टेंट वगैरह जितना भी लगा था, पर्दा वगैरह देखिए सब खाली हो गया है। यहाँ पर शादी हुआ था यहीं पर, ये देखिए उधर का भी टेंट तो टेंट जो था वो भी खुल गया पूरा सब कुछ एक झलक में। ऐसा होता है ना, ये खुशियाँ आती है और तुरंत चली जाती है ना, जो कोई त्यौहार था ना उसी तरह त्यौहार की तरह दो दिन एकदम अच्छा लगा। बाकी अब बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि अब अकेले हो गए हैं, पर रहना थे तो बहुत अच्छा साथ मिलता था। बाकी देखिए सारा कुछ अभी खुल रहा है, कुछ मेहमान अभी जा रहे हैं। चलिए अजय और हम बस यहाँ पर भटक रहे हैं। और दोस्तों अभी खाना वाना खा लिए हैं और अभी आंगन में आ चुके हैं और अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। और इधर देखिए चाचा जी और पापा अभी यहाँ पर कुछ कुछ बात कर रहे हैं और टमाटर उठा रहे हैं। देखिए अभी बोरा में भरेंगे अभी और बांट देंगे, बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा ना। और देखिए अभी घर एकदम पूरा सन्नाटा हो गया है, अभी बच्चे कुछ कुछ खेल रहे हैं अभी। और देखिए इधर टेंट लगा था, टेंट का तो आता पता ही नहीं है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर टेंट ही गड़ाया नहीं था पर बिल्कुल पहले के जैसा। इधर चौकी पड़ा है, इधर इसको क्या बोलते हैं क्या नियम हुआ था हमको पता नहीं। और दीदी अभी इधर बर्तन धो रहे हैं और इधर बना था चूल्हा, इतना सारा बर्तन कुआं में लटका हुआ है मशीन। बाकी देखिए मतलब अजीब सा एकदम लग रहा है घर, सुनना सुनना थोड़ा, इसलिए चारों तरफ भटक रहे हैं, अजीब अच्छा नहीं लग रहा है। तो सोचे थोड़ा आप लोग को भी कुछ कुछ अब बताएं, इसलिए कैमरा चालू कर लिए हैं और चारों तरफ घूम रहे हैं अभी।
कल इस समय एकदम पूरा खुशी का माहौल था, एकदम पूरा मस्त साउंड वगैरह बज रहा था, दिमाग फ्रेश था। लेकिन जब से विदाई हुआ ना, तब से पूरा खराब। और विदाई में ना बहुत ही ज़्यादा क्या बोल, इतना इमोशनल वाला है ना, हम कभी नहीं सोचे थे कि हम रोएंगे ऐसा। हम पहले ये सोच रहे थे कि विदाई एकदम खुशी खुशी देना चाहिए, जब अच्छा से शादी हो रहा है, मनपसंद से इसके उसके पूरे सभी को तरफ से, तो खुशी खुशी देना चाहिए। लेकिन जब मेरा पैर आया ना, मेरा बारी जब आया ना, आँख से मतलब अचानक अपने खुद से मतलब अंदर से आंसू निकलने लगा। लेकिन आप लोग वीडियो देखिएगा, अपलोड होगा इस वीडियो के बाद विदाई वाला, तो देख लीजिएगा। बाकी यहाँ भी टमाटर पड़ा है। ऐसे ना वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा उतना, लेकिन हमको खाली रहने का भी नहीं मन कर रहा, इसलिए कैमरा चालू कर लिए। और आप लोग अपना जो अंदर का बात, हमको जो अंदर से आ रहा हुआ, आप लोगों को शेयर करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए आप लोग से शेयर करते हैं ना ऐसी बात, तो मन मतलब हल्का होता है थोड़ा, इसलिए अपना फील आप लोगों को बता रहे हैं। और इधर दादी बैठे हुए हैं। अब भाई ए मुन्नी वहाँ चढ़े गिर ना भाई, उसको होली खेल रहे हैं। चलिए उधर सुनो क्या बोल रहे हैं। ए सागर बिट्टू इधर आ, पापा बुला रहे हैं बिट्टू को। और इधर देखिए आलू यहीं पर पड़ा हुआ है, निकाल दिए थे। इधर प्याज भी बच गया, बहुत सारा सामान बचा हुआ है, बाकी सब हम लोग का घर का ही था, तो क्या बचना। चलिए और अभी देखते हैं क्या क्या होता है। ये सब तेल है का? हाँ? सब कौन सी है सब? पानी आप लोग भर है ना? अरे हमसे कोई पानी नहीं भरा है, तेल उल का। ए नहीं उधर उधर कीजिए, उधर कीजिए, ताला बंद है तब। चलिए और देखिए इसमें बना था अदौरी, जिसको बोलते हैं ये नियम होता है। बाकी कभी छान मतलब खपरा के ऊपर रखा हुआ है देखिए। और यहाँ का चूल्हा एक भसक गया है, अजीब सा लग रहा है, थोड़ा कोला कोला बेचैनी अंदर से, पूरा केलापन होता है ना, जिसके वजह से मतलब क्या बोले, कुछ शब्दों में बोल भी नहीं पा रहे हैं। गिरेगा मुनि उधर, उधर ही इधर नहीं। देखिए देखिए एकदम इतना छोटी बच्ची चढ़ जाते, गिरेंगे ना, कहाँ चढ़ जाते। चलिए उतरिए, इतना छोटी है और चढ़ जाते हैं। देखिए अचानक गिर जाएंगे तो फिर कहाँ दे जाने, इधर उतरिए। चलिए उतारते हैं इनको, उतरिए। चलिए जल्दी 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 जल्दी। ए हाँ 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 क्या हुआ, कौन? हाँ ए तेरी हटो। चलिए और दोस्तों अभी आए हैं छत के ऊपर में, यहाँ थोड़ा अच्छा हवा लग रहा है। बाकी छत के ऊपर से नज़ारा देखिए, एकदम पूरा एकदम कुत्ता भी नहीं यहाँ पर भौंक रहा है, इतना सांसुन। पापा तो अकेले बैठ के आराम से काम कर रहे हैं, एकदम मस्त। माँ भी अकेले वहाँ बैठे हैं, सब कुछ अकेला अकेला लग रहा है अभी। और अभी कुछ दिन ऐसा ही लगेगा, क्या बोले, अधूरा अधूरा लग रहा है लाइफ में अभी। बाकी कुछ दिन में फिर वैसा ही हो जाएगा, लेकिन थोड़ा लेट लगेगा, क्योंकि जो हर पल साथ हो, और अगर दूर हमेशा के लिए चला जाए, हमेशा ले हमेशा के लिए नहीं, लेकिन फिर भी बहुत दूर, तो बहुत ख़राब लगता है। चलिए और इधर देखिए हमारे गाँव का नज़ारा आप लोग को दिखा रहे हैं। इस देखिए सूरज डूबने वाला है, कितना सुंदर लग रहा है। इधर हम लोग का गांव इधर ऐसा हुआ, और इधर जो हुआ ये अलग, ये मुस्लिम भाइयों के उधर है। देखिए उधर छत ज़्यादा दिख रहा होगा, और इधर बस हम लोग का एरिया में खपरेला खपरेला ये होता है। चलिए आप लोग बाहरी तरफ उधर आप लोग को शेयर कराते हैं, उधर का नज़ारा दिखाते हैं। अभी बाहरी तरफ देखिए अभी सारा खाली है, कोई फसल वगैरह नहीं लगा दी, खाली खाली से लग रहा, लेकिन बहुत जल्द सब में अब लगने वाला है मकई वगैरह, तब फिर अच्छा दिखेगा। तो दोस्तों अभी आप लोगों को सारा कुछ बता दिए, जो भी हमको लग रहा था कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। और अभी हम लोग छत के ऊपर बैठे हुए हैं अभी, थोड़ा हवा ले रहे हैं, ठंडा ठंडा एकदम मस्त हवा चल रहा है। बाकी कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी, तो धीरे धीरे सब ठीक होगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ वो विदाई वाला वीडियो जरूर देखिएगा, वो आएगा ये वीडियो के बाद। चलिए मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, बाय बाय।